हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं रिंग थ्योरी का आइडियल के बारे में बताऊंगा, आइडियल का डेफिनेशन बताऊंगा, उसका एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एमए क्लासेस के नाम से एक ऐप्स है, उस ऐप्स को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप्स में डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है और उस कोर्स का सारा वीडियो लेक्चर वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप उस ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइडियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल को समझते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं R, और रिंग जो होता है उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक को एडिशन से डिनोट कर रहे हैं, एक को मल्टीप्लीकेशन से। तो दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक रिंग है। अब हम लोग रिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर ये रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप हो जाता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, अबेलियन ग्रुप। अब आइडियल किसको कहते हैं, आइडियल दो तरह का होता है, एक लेफ़्ट आइडियल होता है और एक राइट आइडियल होता है। तो फिलहाल मैं लेफ़्ट आइडियल के बारे में बात कर रहा हूँ कि लेफ़्ट आइडियल है क्या, इसके बारे में समझिए। लेफ़्ट आइडियल इसे रिंग का एक सबसेट होता है, रिंग के सबसेट को ही हम लोग कहेंगे लेफ़्ट आइडियल। लेकिन उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तब इसको लेफ़्ट आइडियल कहेंगे। दो कंडीशन कौन सा, फर्स्ट कंडीशन है कि आई प्लस सब ग्रुप होना चाहिए। किसका सब ग्रुप होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस का। आर प्लस तो एक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, आर तो एक अबेलियन ग्रुप हो जाता है, तो इसका ये सब ग्रुप होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। और सेकेंड कंडीशन है कि अगर ए आई का मेंबर लेते हैं और आर अगर रिंग का मेंबर लेते हैं, इस आई जो सबसेट था आर का उसका कोई भी एक एलिमेंट ए लेंगे और रिंग का कोई भी एक एलिमेंट आर लेंगे और आर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे ए में, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आई का मेंबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे इस ये आई, तो इस आई को हम लोग कहेंगे लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग आर। तो कुछ विशेष नहीं है, लेफ्ट आइडियल रिंग का ही एक सबसेट होता है, रिंग जो है उसी का एक कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, इसी नॉन एम्प्टी सबसेट को ही लेफ्ट आइडियल कहेंगे जब आई प्लस सब ग्रुप हो जाए आर प्लस का। और ए कोई भी अगर हम लोग आई का मेंबर ले लेते हैं, ए जो है वो आई का और आर जो है वो रिंग का, तो रिंग का मेंबर यहाँ पर भी हो सकता है या इसके अंदर भी हो सकता है, ये पूरा जो रिंग है आर, तो यहाँ पर एक आई के बाहर भी हो सकता है या फिर आई के अंदर भी हो सकता है, वो आई के अंदर भी रखेंगे तो भी तो रिंग का ही मेंबर होगा। तो आर जो है वो रिंग का मेंबर लेना है और ए जो लेना है वो आई का, और आर को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड में आर इंटू ए, ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों का प्रोडक्ट वो इसी के अंदर आना चाहिए, आर इंटू ए इसी के अंदर आ जाना चाहिए, आई के अंदर आना चाहिए, तब हम लोग इस आई को कहते हैं लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। अब जरा देखिए यहाँ पर ये सब ग्रुप हो तो सब ग्रुप कब होता है, सब ग्रुप के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जी और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ये ग्रुप है और H इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। ये सब ग्रुप कब होता है, इसके लिए कंडीशन है, याद कीजिए कि A और B अगर H का मेंबर है तो इम्प्लाइज A इंटू B इनवर्स भी H का मेंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो H जो होता है वो सब ग्रुप होता है। अगर ये मान लेते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो उस समय यहाँ पर B इनवर्स को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, तो एडिटिव इनवर्स में माइनस भी हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस B, A और B का इनवर्स दोनों का सम जो है वो H का मेंबर होना चाहिए। इसका मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि A माइनस B H का मेंबर होना चाहिए। तो अगर H का कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा A माइनस B H का मेंबर होना चाहिए, तब ये H जो है वो G का सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब ग्रुप है, एडिटिव सब ग्रुप है, तो एडिटिव सब ग्रुप है तो इसके लिए हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, A भी I का मेंबर ले लेते हैं, B भी I का मेंबर ले लेते हैं, तो A माइनस B भी किसका मेंबर होना चाहिए, I का। इस चीज़ को चेक करना है कि आई प्लस जो है वो सब ग्रुप है आर प्लस का, तो इसको चेक करने के लिए यही काम करेंगे हम लोग, आई का कोई भी दो मेंबर लेंगे ए और बी और ए माइनस बी दिखा देंगे आई का, तो आई प्लस जो है वो आर प्लस का एक सब ग्रुप हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिफाइन कैसे किए हैं लेफ्ट आइडियल को। जरा पहले लेफ्ट आइडियल के बारे में समझिए कि लेफ्ट आइडियल का डिफिनेशन है, लेट आर बी ए रिंग, ये नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज कॉल्ड ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। आर कोई भी रिंग ले लिए और एक नॉन एम्प्टी सबसेट आई ले रहे हैं आर का, उसी को कहेंगे लेफ्ट आइडियल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन है कि आई प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, दैट इज। अब ये सब ग्रुप कब होता है, इसका मतलब अगर ये दिखाना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए अगर आई का मेंबर है, बी आई का मेंबर है, तो ए माइनस बी आई का मेंबर हो। इस चीज़ को ना लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई का मेंबर और बी अगर आई का मेंबर लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस भी आई का मेंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो सब ग्रुप हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन है आर इंटू ए जो है वो आई का मेंबर होना चाहिए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आई। आई का कोई भी एक मेंबर लेंगे, रिंग का कोई भी एक मेंबर लेंगे, रिंग के मेंबर को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे आई के मेंबर में, और वो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आई का मेंबर आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आई जो सबसेट था आर का उसी को कहेंगे लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। बिल्कुल राइट आइडियल में सेम चीज है, सारा कंडीशन वगैरह सेम है, सिर्फ अंतर क्या होगा, ये जो अभी लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए थे वो अगर राइट साइड मल्टीप्लाई कर दें और वो अगर आई का मेंबर आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे राइट आइडियल। बाकी सारा चीज़ वही है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ राइट आइडियल के बारे में, इसको समझिए कि लेट आर बी ए रिंग, ये नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर इफ आई प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। फर्स्ट कंडीशन तो वही है, इसका मतलब ए अगर आई का मेंबर लेते हैं, बी आई का मेंबर लेते हैं, तो ए माइनस बी भी आई का मेंबर होगा। और सेकेंड कंडीशन चेंज हो गया, यहाँ पर रिंग का मेंबर जो है उसको राइट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई के मेंबर के साथ। कोई भी अगर ए ले लेते हैं आई का मेंबर, कोई भी रिंग का मेंबर ले लेते हैं, तो रिंग का मेंबर को राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी आई का मेंबर होना चाहिए, तब इसको कहेंगे राइट आइडियल। तो एक लेफ्ट आइडियल और एक दूसरा राइट आइडियल हो गया। अब जरा देखिए, अगर रिंग कम्यूटेटिव हो तो वैसे केस में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, यहाँ पर समझिएगा। लेफ्ट आइडियल में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, लेफ्ट आइडियल में आर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर इंटू ए जो है वो आई का मेंबर होता है, और राइट आइडियल में क्या होता है ए इंटू आर। और ये दोनों है किसका मेंबर, ए और आर दो तो दोनों रिंग का मेंबर है, ए भी तो रिंग का ही, रिंग के अंदर ही आएगा ना, और आर भी जो है वो रिंग के अंदर ही आएगा। तो ए और आर अगर रिंग का मेंबर है और ये आर अगर कम्यूटेटिव रिंग हो तो ए इंटू आर को आर इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है तो वैसे केस में आर इंटू ए लिखिए या फिर ए इंटू आर लिखिए, दोनों तो सेम आएगा। तो ए आर या आर ए दोनों सेम आएगा और दोनों आई का मेंबर होगा। अगर आइडियल है तो दोनों आई का मेंबर होगा, तो उस केस में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल सेम हो जाएगा। तो अगर रिंग कम्यूटेटिव रहे तो आपको लेफ्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वहां पर सेम होगा, वैसे केस में हम लोग सिर्फ आइडियल कह सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और आइडियल किसको कहते हैं, टू साइडेड आइडियल भी कहते हैं। अगर ये दोनों समझिए, यहाँ पर R इंटू ए और A इंटू आर, ये अगर दोनों I का मेंबर हो जाए तो उस आइडियल को हम लोग कहेंगे टू साइडेड आइडियल या सिर्फ आइडियल कहेंगे। सिर्फ आइडियल भी कह सकते हैं या टू साइडेड आइडियल भी कह सकते हैं, अगर ये दोनों इसका मेंबर हो। अगर सिर्फ ये मेंबर होता है तो कहेंगे लेफ्ट आइडियल, ये सिर्फ मेंबर होता है तो कहेंगे राइट आइडियल, और अगर ये दोनों इसका मेंबर होता है तो इसको कहेंगे टू साइडेड आइडियल या सिर्फ आइडियल कहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आइडियल का डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज कॉल्ड एन आइडियल और टू साइडेड आइडियल इफ इट इज बोथ लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट आई ले रहे हैं रिंग का, उसको कहेंगे आइडियल कहेंगे, सिर्फ आइडियल कहेंगे, वहाँ लेफ्ट और राइट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडियल कहेंगे या टू साइडेड आइडियल कहेंगे। कब कहेंगे, जब वो आइडियल दोनों चीज हो, लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल हो। अगर वो आइडियल दोनों हो, लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो, तो उसको हम लोग सिर्फ आइडियल कह सकते हैं। देखिए दैट इज इफ़, इसको कंडीशन से भी लिख सकते हैं कि आई प्लस जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए आर प्लस का, और सब ग्रुप के लिए यही काम करते हैं कि ए आई का मेंबर ले लेते हैं, बी आई का मेंबर ले लेते हैं, तो ए माइनस बी भी आई का मेंबर दिखा देंगे। तो ये सब ग्रुप होना चाहिए पहला। और दूसरा,
कि अगर रिंग का कोई भी मेंबर स्मॉल आर लेते हैं और आई का कोई भी मेंबर हम लोग ए लेते हैं, तो ए में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए या ए में राइट साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो आई का मेंबर होना चाहिए। अगर दोनों प्रोडक्ट आई का मेंबर हो तब इस आई आइडियल को हम लोग कहें, आई जो आइडियल बनेगा उसको हम लोग टू साइडेड आइडियल या सिर्फ आइडियल ही कहेंगे, उसको लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल कहने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आइडियल होने के लिए, टू साइडेड आइडियल होने के लिए रिंग को कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। अगर रिंग नॉन कम्यूटेटिव भी है तो भी टू साइडेड आइडियल हो सकता है। कैसे, जरा एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं R एक रिंग है। अब ये रिंग जो है वो मान लेते हैं कि नॉन कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव यहाँ पर नहीं है। I इसका एक सबसेट लेते हैं और उसमें सिर्फ हम लोग जीरो एलिमेंट लेते हैं। आई में सिर्फ एक जीरो एलिमेंट लिए, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब R प्लस जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप का ये आइडेंटिटी का काम करता है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, इस ग्रुप का ये आइडेंटिटी हो गया। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ अगर हम लोग लेते हैं, R का सिर्फ एक ही एलिमेंट लिए हैं और वो आइडेंटिटी लिए हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि आइडेंटिटी से जो सेट बनता है वो तो सब ग्रुप हो जाता है। तो ये सब ग्रुप होगा, फर्स्ट कंडीशन सब ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब टू साइडेड आइडियल के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी रिंग का मेंबर ले लेते हैं R, और आई आइडियल में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो है सिर्फ यहाँ पर आई। अब ये देखेंगे कि इस जीरो में लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आई का मेंबर आना चाहिए। इसमें तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट है और यहाँ रिंग का कोई भी एलिमेंट एक R ले रहे हैं, तो R को आप जीरो में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, R इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा, और ये जीरो जो है वो आई का मेंबर है। फिर जीरो में आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में तो भी जीरो आएगा, वो भी आई का मेंबर है। तो चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें आर से या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आई का मेंबर आ जाता है। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, तो ये दोनों तो जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो टू साइडेड आइडियल हो गया, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट जो है वो आई का मेंबर हो गया। मतलब ये लेफ्ट आइडियल भी बन जा रहा है और राइट आइडियल भी बन जा रहा है, तो ये दोनों होना चाहिए। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों अगर हो तब उसको हम लोग कहेंगे टू साइडेड आइडियल। तो ये दोनों हो गया, इसीलिए इसको हम लोग टू साइडेड आइडियल कह सकते हैं। तो ये यहाँ से एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर रिंग लेते हैं तो उस रिंग का एक आइडियल खुद ये तो निश्चित रूप से होगा। सिर्फ जीरो एलिमेंट को लेकर के अगर हम लोग सेट बनाते हैं तो वो निश्चित रूप से एक आइडियल होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बाद में इसके बारे में लिखूंगा। अब जरा समझिए कि आइडियल का एक डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, सॉरी आइडियल का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जेड जो होता है, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो तो एक रिंग होता है। सिंस जेड इक्वल टू जेड में आपका आ जाता है सारा इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ये सभी हो जाता है। इज ए रिंग, एक रिंग होता है विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग होता है, तो ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। अब जरा देखिए, इसका एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आई में क्या कर रहे हैं, आई ना लिख करके हम लोग यहाँ पर एस लिख रहे हैं। तो एस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इवन इंटीजर्स ले रहे हैं। सिर्फ इवन इंटीजर्स मतलब ... -4, -2, 0, 2, 4... अब देखिए ये आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा, जरा सोचिए। क्या ये इसका सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्यों सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो एक का मेंबर लेते हैं, बी भी एस का मेंबर लेते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी एस का मेंबर हो जाएगा। क्यों, समझिए, ए और बी एस का जब मेंबर लेंगे तो दोनों तो इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर्स आएगा। ए भी इवन इंटीजर्स होगा और बी भी इवन इंटीजर्स होगा, और दो इवन इंटीजर्स का डिफरेंस भी एक इवन इंटीजर होता है। तो इसीलिए अगर ए एस का मेंबर बी एस का मेंबर ले लेते हैं तो ए माइनस बी भी एस का मेंबर हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सेकेंड कंडीशन में रिंग का कोई भी मेंबर लेना है, तो रिंग तो यहाँ पर जेड है,
तो जेड का कोई भी मेंबर अगर हम लोग ले लेते हैं और इसका कोई भी एक मेंबर ले लेना है, ए बिलोंग्स टू एस, तो क्या आर इन टू ए एस का मेंबर आएगा? जरा समझिए, ए तो यहाँ पर इवन होगा जब एस का मेंबर है और आर जो है वो इंटीजर होगा, तो इवन इंटीजर में अगर कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इवन होगा? इवन इंटीजर में किसी भी आप इवन किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निश्चित रूप से इवन होगा। जैसे 4 है, 4 में अगर हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12 आ रहा है, इवन ही आ रहा है। या अगर 6 इवन इंटीजर है, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है। तो इवन में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर इवन इंटीजर आएगा। मान लीजिए हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -12 आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है। तो ये चूंकि इवन इंटीजर है और इसमें किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन इंटीजर ही आएगा, तो निश्चित रूप से ये एस का मेंबर होगा। चाहे वह आर इंटू ए लिखिए या ए इंटू आर लिखिए, यहाँ तो दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव रिंग हो, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर, एक इवन इंटीजर ही होता है इवन इंटीजर, तो देयरफोर ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा कंडीशन मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड आर बिलोंग्स टू जेड, ये जेड का कोई भी मेंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड इवन इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड इवन इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयर फोर ए इंटू आर बिलोंग्स टू एस, ऑल्सो आर इंटू ए बिलोंग्स टू एस, देयर फोर एस इज एन आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स। इसके बारे में आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ये लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग कुछ रिमार्क को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिमार्क ये है कि इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग देन एवरी लेफ्ट आइडियल विल ऑल्सो बी ए राइट आइडियल। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई भी रिंग कम्यूटेटिव है तो उसका लेफ्ट आइडियल जो है वो राइट आइडियल भी होगा। तो इसका मतलब देयर फॉर इन ए कम्यूटेटिव रिंग एवरी लेफ्ट आइडियल इज ए आइडियल, तो कोई भी अगर लेफ्ट आइडियल लेंगे तो उसको सिर्फ आइडियल कह सकते हैं, उसको लेफ्ट आइडियल कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आइडियल जो है वो राइट आइडियल भी बन जाता है ना। तो लेफ्ट आइडियल को हम लोग सिर्फ आइडियल कह सकते हैं, या राइट आइडियल को भी हम लोग सिर्फ आइडियल कह सकते हैं, या टू साइडेड आइडियल कह सकते हैं। तो देयरफॉर ए कम्यूटेटिव रिंग एवरी लेफ्ट आइडियल इज ए आइडियल, या फिर राइट आइडियल इज ए आइडियल। अब नोट टू देखिए, रिमार्क टू यहाँ पर कि इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर देन आई इज ऑल्सो ए सबरिंग ऑफ आर, अगर कोई आइडियल अगर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से रिंग का सबरिंग भी होगा। कैसे होगा जरा समझिए, हम लोग जानते हैं सबरिंग के लिए कि अगर आर कोई रिंग है, एस कोई इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इसको हम लोग सबरिंग कहेंगे। कब कहेंगे? अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इसमें अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सा दो कंडीशन? कि अगर ए एस का मेंबर है, बी एस का मेंबर है, तो ए माइनस बी भी एस का मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये। और सेकेंड की अगर ए एस का मेंबर है, बी एस का मेंबर है, तो ए इंटू बी भी एस का मेंबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये सबरिंग बन जाता है आर का, ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है। तो इसी दोनों कंडीशन को हम लोग दिखा करके आइडियल को दिखाएंगे कि वो एक सबरिंग है। एक्चुअली आई जो है आइडियल वो तो सबसेट है इसका, आर का सबसेट है। अब इसको दिखाना है कि ये सबरिंग है, तो सबरिंग है तो दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी आइडियल का डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि अगर ए आई का मेंबर है, बी अगर आई का मेंबर है, तो ए माइनस बी भी आई का मेंबर होता है, ये तो आइडियल का डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है। और सेकेंड कंडीशन फिर एक दिखाएंगे हम लोग कि इसका कोई भी दो मेंबर ले लेंगे, आई ए आई का मेंबर ले लेंगे, बी आई का मेंबर ले लेंगे, और दिखा देंगे कि
कि a इंटू बी भी अगर i का मेंबर ये दिखा दें तो इसका मतलब ये सब रिंग हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी है ही डेफिनेशन में, ये हम लोग को दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर कैसे हम लोग दिखाते हैं इसके बारे में समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय डेफिनेशन वी नो दैट, बाय डेफिनेशन वी नो दैट, हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि अगर ए आई का मेंबर है, बी आई का मेंबर है, तो इम्प्लाइज ए माइनस बी भी आई का मेंबर होगा। फर्स्ट तो हो गया, अब सेकेंड क्या करते हैं डेफिनेशन से, अगेन लेट ए बिलोंग्स टू आई और बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर हम लोग बी जो है वो भी आई का ही मेंबर लेते हैं, ए भी आई का मेंबर ले रहे हैं, बी भी आई का मेंबर ले रहे हैं, इम्प्लाइज ए आई का मेंबर है और बी जो आई का मेंबर है क्या वो रिंग का भी मेंबर होगा? क्यों रिंग का मेंबर होगा? जैसा समझिए, यहाँ पर ये अगर रिंग है, आई तो इसका सबसेट है, तो ए इसका मेंबर लिए हैं, बी भी इसकी का मेंबर लिए हैं, ए और बी दोनों आई का मेंबर है, तो ए तो आई का मेंबर रहने देते हैं, बी जो आई का मेंबर है वो तो रिंग का भी मेंबर हो जाएगा, बी जो है वो आर का भी मेंबर हो जाएगा क्योंकि आई के अंदर है, इसका मतलब आर के अंदर भी होगा, तो बी हो जाएगा रिंग का मेंबर। अब याद कीजिए, अगर ये आइडियल है, आई अगर आइडियल है, तो आइडियल का कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं, रिंग का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी वो भी आई का मेंबर होता है। डेफिनेशन क्या था आइडियल का, ए इंटू आर ये किसका मेंबर होता है? आई का। जहाँ ए किसका मेंबर होता है? ए होता है आई का और आर किसका होता है? रिंग का। आई का कोई भी एक मेंबर ले लेंगे, रिंग का एक मेंबर ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट आई का मेंबर होता है। तो ये जो है ए आई का मेंबर है और बी किसका मेंबर है? रिंग का मेंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आई का मेंबर हो जाएगा। ये आइडियल का डेफिनेशन से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दिए, यहाँ पर हम लोग दिखा दिए कि ए और बी अगर आई का मेंबर हम लोग लेते हैं तो ए इंटू बी भी आई का मेंबर हो गया। ये कहाँ से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, आइडियल का डेफिनेशन से लिखे हुए हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसको हम लोग नंबर कर देते हैं टू। तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, देखिए क्या मिल रहा है कि ए बी अगर आई का मेंबर है तो ए माइनस बी भी आई का मेंबर है, और ए बी अगर आई का मेंबर है तो ए इंटू बी भी आई का मेंबर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, एंड ए बिलोंग्स टू आई, बी बिलोंग्स टू आई, इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू आई। तो देयरफॉर आई इज ये सबरिंग, एक सबरिंग हो जाएगा, सबरिंग ऑफ रिंग आर। तो यहाँ पर जो दिखाना था कि प्रत्येक आइडियल जो होता है वो सबरिंग होता है, यहाँ पर तो प्रूफ हो गया आई जो आइडियल था वो सबरिंग बन गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी अगर आइडियल लेते हैं तो वो रिंग का जरूर सबरिंग होगा, लेकिन क्या प्रत्येक सबरिंग आइडियल होगा? ऐसा नहीं होगा, प्रत्येक सबरिंग आइडियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। बट एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल, प्रत्येक सबरिंग जो है वो आइडियल नहीं होगा। कैसे दिखाएंगे, जरा एक एग्जांपल से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि सिंस जेड सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबरिंग ऑफ क्यू प्लस डॉट, ये रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो तो रिंग होता है, पहले से हम लोग जानते हैं, और जेड जो है वो इसका एक सबरिंग हो जाता है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो इसका एक सबरिंग होता है, ये भी तो एक रिंग होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये क्यू का सबसेट भी होता है, तो ये सबरिंग हो जाता है, ये तो पहले से जानते हैं। अब ये देखते हैं कि आइडियल है या नहीं, ये सबरिंग तो है। यहाँ पर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल, प्रत्येक सबरिंग जो है वो आइडियल नहीं होता है।
तो ये सबरिंग तो है इसका, इस रिंग का, लेकिन ये आइडियल है या नहीं जरा चेक करते हैं। तो आइडियल के लिए एक कंडीशन है, अगर कोई भी आई अगर आइडियल है तो उसका कोई भी अगर मेंबर लेते हैं ए और रिंग का मेंबर लेते हैं आर, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू आर वो भी आई का मेंबर होना चाहिए। एक बार हम लोग आइडियल का एक एलिमेंट ले लेंगे, एक बार रिंग का एलिमेंट ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी आई का मेंबर होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये आइडियल बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पर टू जेड का मेंबर है, एक इंटीजर्स है, एंड 1/3 क्यू का मेंबर है, मतलब इस सबसेट का जेड जो है वो सबसेट है क्यू का। तो इस सबसेट का एक एलिमेंट ले लिया और रिंग का एक एलिमेंट ले लिया, रिंग के जगह यहाँ पर क्यू है, ध्यान दीजिएगा। आइडियल के जगह जो है, आइडियल के जगह यहाँ पर जेड है और रिंग के जगह क्या है, क्यू है। तो आई का मतलब जेड का एक एलिमेंट लिए हुए हैं और रिंग का मतलब क्यू का एक एलिमेंट लिए हुए हैं, एंड ये दोनों जो है वो एक एक एलिमेंट ले लिया, एक जेड का और एक क्यू का, एंड 2 × 1/3 मतलब 2/3 नॉट बिलोंग्स टू जेड, जेड का मेंबर नहीं है ये। जैसे आई का अगर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं ए और आर का एक एलिमेंट लेते हैं आर, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आई का मेंबर आना चाहिए ना। तो इसका मेंबर एक हम लोग ले लिए 2 और इसका मेंबर ले लिए 1/3, दोनों का जो प्रोडक्ट आया 2/3 वो जेड का मेंबर नहीं है। तो देयरफॉर जेड इज नॉट एन आइडियल ऑफ रिंग क्यू प्लस डॉट, इसका एक आइडियल नहीं है। मतलब प्रत्येक सबरिंग जो है वो आइडियल हो ये जरूरी नहीं है, कुछ सबरिंग हो सकता है आइडियल लेकिन कुछ सबरिंग जो है वो आइडियल नहीं भी होगा, लेकिन प्रत्येक आइडियल निश्चित रूप से क्या होता है, सबरिंग होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलिए, दो आइडियल जो है किसी भी रिंग का निश्चित रूप से होगा, जैसे दो सबरिंग तो प्रत्येक रिंग का होता है, एक सिर्फ सिंगल एलिमेंट जीरो से और एक पूरा जो आर होता है वो भी प्रत्येक का सबरिंग होता है। तो यहाँ पर भी दो आइडियल निश्चित रूप से होगा, कौन सा दो आइडियल होगा, नोट थ्री करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोट थ्री, द सेट जीरो, सिर्फ जीरो वाला, मैं अभी बता चुका हूँ कि सिर्फ जीरो एलिमेंट लेते हैं तो आइडियल बन जाता है, द सेट जीरो एंड आर इट्सेल्फ बोथ आर आइडियल ऑफ रिंग आर, आर खुद एक आइडियल बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, आर आर का सबसेट होता है, सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, रिंग है तो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो आइडियल बन जाएगा। तो दो कंडीशन में पहला कंडीशन है कि आर प्लस सब ग्रुप होना चाहिए, किसका सब ग्रुप होना चाहिए, यही आर प्लस का, तो ये तो होगा ही, कोई भी ग्रुप अपने का सब ग्रुप होता है, तो ये जो है वो अपने का सब ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा। और दूसरा, इसका एक एलिमेंट ए लेंगे, इसका एक एलिमेंट आर लेंगे, आइडियल की जगह यहाँ पर आर है, तो इसका एक एलिमेंट ए लेंगे, इसका एक एलिमेंट आर लेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आर का मेंबर हो जाएगा। क्यों, दोनों तो रिंग का ही मेंबर है, ए भी रिंग का मेंबर है, आर भी रिंग का मेंबर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है आएगा वो भी तो रिंग का मेंबर होगा, क्योंकि रिंग में मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर आई की जगह आर है, तो आई का एक मेंबर ए लिए और आर का मेंबर आर लिए, दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया वो आर का मेंबर हो गया, आर मतलब यहाँ पर आई, आर मतलब आई, तो ए इंटू आर आई का मेंबर हो गया, या आर इंटू ए भी जो है वो आई का मेंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो आर प्लस जो आर जो है वो खुद एक आइडियल होता है। तो दो आइडियल तो पक्का है किसी भी रिंग का, एक तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट जीरो से और एक खुद आर जो है वो भी एक आइडियल होगा। ये दोनों आइडियल को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, इसके अलावा और जो भी आइडियल होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर आइडियल। तो द सेट दिस एंड आर इट्सेल्फ बोथ आर आइडियल ऑफ रिंग आर, दीज टू आइडियल्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल, ये इम्प्रॉपर आइडियल हो गया, इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग आर। इसके अलावा कोई भी आइडियल होगा
तो उसको हम लोग प्रॉपर आइडियल कहेंगे। एनी अदर आइडियल, एनी अदर आइडियल इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट एनी अदर आइडियल आर कॉल्ड, आर कॉल्ड प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल होगा ऑफ रिंग आर, रिंग आर का ये प्रॉपर आइडियल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में लेफ्ट आइडियल का डेफिनेशन देखें, राइट आइडियल का डेफिनेशन देखें, उसका कुछ एग्जांपल देखें, प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल देखें, कुछ रिमार्क देखें, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आइडियल का कुछ एग्जांपल बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे।